रेडिट का टेक स्टैक मुख्यतः इस प्रकार है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये वो हिस्सा है जो यूजर को सीधे दिखता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर हो तो जो भी आप स्क्रीन पर देखते हैं वो फ्रंट एंड है। इसमें HTML, CSS और JavaScript जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। रेडिट का यूजर इंटरफेस React.js का उपयोग करके बनाया गया है। React.js एक पॉपुलर JavaScript लाइब्रेरी है जो वेब एप्लीकेशंस में तेज और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाने में मदद करती है। बैक एंड डेवलपमेंट, ये पर्दे के पीछे का हिस्सा है। ये सर्वर, डेटाबेस और ऐप की लॉजिक को संभालता है। जैसे अगर आप लॉग इन करते हैं तो बैक एंड ही चेक करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं। पाइथन और नोड जेएस के जरिए रेडिट के बैक एंड के काम है। खासकर शुरुआत में रेडिट ने पाइलंस जैसी फ्रेमवर्क का उपयोग किया था। अब नोड जेएस भी उपयोग में है, जो जावास्क्रिप्ट का इम्प्रूव्ड बैक एंड रन टाइम है। मोबाइल डेवलपमेंट, ये मोबाइल ऐप बनाने का प्रोसेस है। इसमें iOS के लिए स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी और एंड्रॉयड के लिए जावा या कोटलिन जैसी भाषाओं का उपयोग होता है। डेटाबेस, PostgreSQL, रेडिट का डेटा स्टोर करने के लिए PostgreSQL डेटाबेस का उपयोग होता है, जो एक शक्तिशाली और स्केलेबल रिलेशनल डेटाबेस है। वर्जन कंट्रोल, ये सॉफ्टवेयर के विभिन्न संकरणों को मैनेज करने का तरीका है, जैसे गिट, जो डेवलपर्स को कोड के बदलावों को ट्रैक करने में मदद करता है। गिट कोड में बदलावों को ट्रैक करने और सहयोग के लिए गिट का उपयोग करता है, जिससे डेवलपर्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, Amazon वेब सर्विसेज, रेडिट अपनी सेवाओं को होस्ट करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज का उपयोग करता है, जो स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। रेडिट का टेक स्टैक यूजर्स को एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए, जिसमें कई बार अपडेट्स भी शामिल है।